गाइस, चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी Xiaomi ने अपनी पहली लैपटॉप सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि है MI नोटबुक सीरीज। और इस सीरीज में आपको दो लैपटॉप मिलेंगे, एक तो होगा MI नोटबुक और एक होगा MI नोटबुक ओरिजिन एडिशन। और इन दोनों लैपटॉप के प्राइस में काफी बड़ा डिफरेंस होने वाला है, साथ ही इनकी स्पेक्स भी काफी अलग अलग होगी। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MI नोटबुक ओरिजिन एडिशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसका प्राइस और उसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। गाइस, वैसे तो इसमें आपको एक मेटलिक फ्रेम मिलता है, बट इसको हाथ में लेकर ऐसा लगता है जैसे इस पे मेटल की कोटिंग की हो। मतलब कि गाइस, इसमें उतनी प्रीमियम लुक नहीं मिलती जैसे कि एप्पल के लैपटॉप में मिलती है। और गाइस, अगर इसकी कॉस्ट को देखें उसके हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी कम है। एनीवे गाइस, अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इस नोटबुक में आपको मिलता है इंटेल कोर i7 वाला प्रोसेसर, जो कि आपको एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। आप इसमें इजीली गेमिंग कर पाएंगे। और गाइस, प्रोसेसर के साथ अब बात आती है इसके GPU की। तो इसमें आपको मिलता है NVIDIA GeForce MX350, जिसका वीडियो मेमोरी साइज है 2GB का। तो रही बात इस नोटबुक के डिस्प्ले की, तो इस लैपटॉप में आपको मिलती है 35.56 सेंटीमीटर की फुल HD रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। और गाइस, फुल HD रिजोल्यूशन मतलब 1920x1080 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन आपको इस डिस्प्ले में मिल जाता है। साथ ही डिस्प्ले एंटी ग्लेयर भी होगी, यानी कि इसकी स्क्रीन पर जब कोई एक्सटर्नल लाइट पड़ेगी तो इसकी डिस्प्ले उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। साथ ही आपको 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी इस नोटबुक में मिल जाता है। साथ ही गाइस, लैपटॉप में आपको मिलती है 8GB की DDR4 वाली रैम, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी कम रहती है जब आप कोई इसमें हैवी एप्लीकेशन चलाओगे, जैसे कि 4K वीडियो को एडिट करना या फिर हाई ग्राफिक्स पे गेमिंग करना, तो उस वक्त थोड़ी रैम की कमी महसूस होती है। हालांकि गाइस, इसका प्रोसेसर काफी फास्ट है, प्रोसेसर की वजह से आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर इसमें आपको 16GB की रैम मिल जाती तो यह काफी अच्छे लैपटॉप को भी टक्कर दे सकता था। तो गाइस, रैम के बाद अब बात आती है इसकी इंटरनल स्टोरेज की, यानी कि इसकी हार्ड डिस्क की। तो गाइस, इसमें आपको मिलती है 512GB की हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसकी स्पीड भी आपको काफी अच्छी मिलती है। साथ ही गाइस, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है विंडोज 10 होम बेसिक वाला। गाइस, बात आती है इसकी इंटरफेस की, तो इसमें आपको काफी सारे अलग अलग पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, दो USB टाइप ए 3.1 जनरेशन 1 के पोर्ट भी मिल जाते हैं, एक USB 2.0 वाला पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI, एक ऑडियो, एक चार्जिंग पोर्ट और साथ में आपको एयर एग्जॉस्ट भी मिल जाते हैं। साथ ही गाइस, इस नोटबुक में आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलता, यानी कि वेबकैम नहीं मिलता, तो वो आपको एज ए एक्सटर्नल कैमरा कनेक्ट करना पड़ेगा। और गाइस, इसके साथ ही आपको इसका वेबकैम भी मिल जाता है, यानी कि इसकी पैकेजिंग में इसका वेबकैम आपको मिल जाएगा। सिंपली उसको आप USB पोर्ट में कनेक्ट करके उसको यूज कर पाएंगे। तो बात करते हैं इसकी कुछ डायमेंशंस की, जैसे कि इसकी थिकनेस होने वाली है 17.15 mm की और इस नोटबुक का वेट होने वाला है 1.35 kg का। साथ ही इस नोटबुक में आपको मिल जाती है 46 Wh की बैटरी, साथ ही आपको 35 W का पावर अडेप्टर भी मिल जाता है। और जैसे कि MI क्लेम करती है ये लैपटॉप 10 hours का पावर बैकअप दे देता है, बट गाइस, रियलिटी में इसका पावर बैकअप है 7 to 8 hours का, जो कि फिर भी काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर नोटबुक इन दिस स्पेसिफिक रेंज। तो गाइस, लास्ट में बात करते हैं इस नोटबुक के प्राइस की। तो इस नोटबुक का इंडिया में प्राइस है 54,999 rupees, जबकि इसके छोटे वेरियंट यानी कि MI नोटबुक का प्राइस था 41,999 rupees। हालांकि गाइस, इसके स्पेसिफिकेशन थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू MI नोटबुक ओरिजिन एडिशन। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गैजेट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।